हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हैंड्स एंड लेग्स के हेयर को कैसे रिमूव करती हूं रेजर से। एंड मैं इस वीडियो में आफ्टर शेविंग एंड बिफोर शेविंग के स्टेप भी आपको बताऊंगी, आपको कौन कौन से स्टेप करने चाहिए जिससे आपको रेजर बम्स एंड रेडनेस इचिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक स्क्रब बनाऊंगी, बॉडी स्क्रब। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर एंड कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पे मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल लिया है। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल हो आप उसे यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 से 7 मिनट तक रख दूंगी, ताकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े मेल्ट हो जाएं और वो हमारी बॉडी पे हार्श ना रहें। इसके बाद मैं स्क्रब अपने हैंड पे अप्लाई करूंगी एंड हल्के हाथों से रब करूंगी। मैं यहाँ पे इसे 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करूंगी, ताकि मेरी सारी डेड स्किन्स रिमूव हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप पूरे हैंड पे अप्लाई करके स्क्रब करूंगी। इस स्क्रब को बनाने के लिए कॉफ़ी पाउडर लिया है, वह स्किन को ब्राइटनिंग बनाता है एंड शुगर स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और स्किन की डेड सेल्स को हटा देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाती है। इसके बाद जो कोकोनट ऑयल लिया है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है एंड स्किन को सॉफ्ट बना देता है। यहाँ पर हमने स्क्रब को 5 से 7 मिनट तक के लिए करना है एंड इसे ऐसे ही छोड़ देना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं दूसरे हैंड पे स्क्रब अप्लाई करूँगी एंड उसे रब करूँगी सर्कुलर मोशन में। गाइस, बॉडी हेयर को शेव करने से पहले स्क्रब करने से हमारी स्किन के डेड सेल्स को हटा देता है एंड स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनी बना देता है, जिससे सेविंग करने के बाद इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये इनग्रोन हेयर को प्रिवेंट करता है एंड स्किन को बहुत ही शाइनी बना देता है। इसीलिए सेविंग करने से पहले स्क्रब का यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैंने दोनों हैंड्स पे अच्छे से स्क्रब कर लिया है। स्क्रब करने के बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी एंड मैं यहाँ पे अपने लेग्स पे स्क्रब करूँगी। गाइस, इसके बाद मैं अपने लेग्स पे भी स्क्रब करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं दोनों लेग्स पे स्क्रब करूँगी। मैंने जैसे वीडियो में पहले दिखाया था हैंड्स पे स्क्रब करते, उसी तरह मैं लेग्स पे भी स्क्रब कर रही हूँ एंड यहाँ पे भी इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए स्क्रब करके ऐसे छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं शेविंग करूँगी। लेग्स पे स्क्रब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं वीनस का रेजर ले रही हूँ एंड उससे अपने बॉडी हेयर को रिमूव करूँगी। फर्स्ट स्टेप में मैंने स्क्रब किया था बॉडी पे, सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पे एक सोप लूँगी और उससे अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने खादी ऑर्गेनिक का सोप लिया है। आप चाहे तो आप शेविंग क्रीम एंड कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी सोप था तो मैं इसे का यूज कर रही हूँ। सोप को अप्लाई करने के बाद मैं अपने हैंड पे अच्छे से लेदर बनाऊंगी। इसके बाद मैं अपने हैंड्स के हेयर को रिमूव करूंगी। हैंड्स के हेयर को मैं रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे वीनस का रेजर ले रही हूँ।
आपके पास जो भी रेजर हो आप उसका यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में अपने हेयर को रिमूव कर रही हूँ रेजर से, एंड एक्सेस हेयर को पानी के मग में रिमूव कर देती हूँ ताकि शेविंग अच्छे से हो। यहाँ पर मैंने वन हैंड के हेयर को रिमूव कर लिया है। इसके बाद आप डिफरेंस देख सकते हो गाइस, दोनों हैंड्स में कितना फर्क है। एंड इसी तरह मैं नेक्स्ट हैंड पे भी सोप अप्लाई करूँगी, एंड अच्छे से लेदर बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हेयर को रिमूव करूँगी। आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा आप वैसे ही हेयर को रिमूव करेंगे तो आपको स्किन पे रेडनेस नहीं होगी, इचीनेस नहीं आएगी, रेजर बम्स नहीं होंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको अपने हेयर को रिमूव करना है। यहाँ पर मैंने हैंड्स के हेयर को रिमूव कर लिया, इसके बाद मैं लेग्स के हेयर को रिमूव करूँगी और मैं सेम स्टेप फॉलो करूँगी। लेग्स पे भी मैं सोप अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से लेदर बनाऊँगी, उसके बाद हेयर को रिमूव करूँगी। आपको जैसे वीडियो में दिखाया रही हूँ आप वैसे ही अपने हेयर को रिमूव करें। मैं अपने हेयर को रिमूव करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में शेव करूँगी एंड पानी में से रेजर को मैं क्लीन कर लूंगी ताकि शेविंग अच्छे से हो। सेम स्टेप में सेकेंड लेग पे अप्लाई करूंगी सोप एंड उसे भी सेव करूंगी। गाइस यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेविंग कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप आता है बॉडी को मॉइस्चराइज करना, क्योंकि जो भी हमने सोप यूज किया है उससे हमारी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, इसीलिए हमें मॉइस्चराइजर का यूज करना होता है। आपके पास जो भी बॉडी लोशन हो या जो भी मॉइस्चराइजर हो आप उसका यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर क्रीम है, मैं इसका ही यूज करूँगी अपने हैंड्स पे, लेग्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।